क्या थे दोस्तों, अच्छा लग रहा है दादा, वो हेलमेट पे सूट नहीं होता ना पा। क्या करेंगे दादा अपन? स्पैंक करेंगे, स्पैंक ही देंगे। लेट्स गो जेड, तो जेड कहा डालू? लगाए तुमने, इससे क्या होगा? देखो पर इधर, अभी तुम गोरे हो जाओगे क्या दादा? इधर देखो ना, आपको बकचोदी कर रहे हैं। ये सब लगाने से गोरा तुमको क्या लग रहा? तुम गोरे हो जाओगे, तुम काले रहने लगा। समझे क्या? आई क्या बात समझ में तुम्हारी? वो देखो तुम्हारी गर्दन दिख रही है इसमें। दादा देखो ना इधर, अरे शर्मा मत, जनता जानना चाहती है दादा, जनता जानना चाहती है तुम ये सब लगा के क्या क्या जताना चाह रहे। दिखाओ इधर, कैसा दिखता है सांगता? वेस्ट इंडीज के प्लेयर शर्मा। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ बकचोद वीडियो। अभी हम दोनों में बहस हो रही थी कि ये मैं लिफ्ट कर रहा हूँ अराउंड एक डेढ़ साल से कंसिस्टेंटली लिफ्ट कर रहा हूँ, और ये कर रहा है एट मंथ से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज एक साल से हम दोनों लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हमको एक चीज पता लगानी है, एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं करी हमने कि क्या वेट मैटर करता है। अगर आपका वेट कम ज्यादा हो, क्या मतलब मुद्दा क्या था अपना? अबे साले बोलने वाले थे, तुम क्या बोल रहे हो? वेट मैटर करता कि नहीं मैटर? तुम बोल रहे ना एंड्योरेंस ट्रेनिंग मैटर करती। हाँ मैं बोल रहा हूँ एंड्योरेंस ट्रेनिंग तो मैटर करती है लिफ्ट करने में, कि अपन कितना लिफ्ट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम क्यों बोल रहे कि मारो, मतलब क्यों पुशअप मारने की बात कर रहे हो? नहीं मैं बोल रहा था, रिजल्ट बोल आपला सुरू करून जातो तो। तुम बोल रहे थे कि कितने पुशअप्स मार सकते तुम? हाँ मैं बोला इतने इतने मार सकते। हाँ तो तुम्हारा बोलना ऐसा है कि मैं तुमसे ज्यादा मारना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पहले से ट्रेन कर रहा हूँ। पहले से कर रहे उसमें भी तुम बॉडी वेट कर रहे हैं। पावर लिफ्टिंग तुम क्या बोल रहे थे? तुम जो पावर लिफ्टिंग करता है और जो वेट ट्रेनिंग बॉडी वेट ट्रेनिंग करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर लिफ्टिंग वाले में ज्यादा ताकत हो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग वाले में ताकत तो ज्यादा रहेगी। हाँ पर एंड्योरेंस इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा जो। तो इस हिसाब से तुम्हारे में एंड्योरेंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि तुम करते हो पूरा बॉडी वेट ट्रेनिंग। हाँ। और तुम पावर लिफ्टिंग भी कभी कभी कर लेते हो? नहीं मैं कभी नहीं करता। हाँ मैंने जो डेडलिफ्ट नहीं की, मैं भी नहीं किया डेडलिफ्ट। हाँ चलो ठीक है, पर फिर मैं हेवी नहीं जाता, मैं हाइपरट्रॉफी पे फोकस करता। हाँ। और मैं थोड़ा हेवी जाता हूँ। ठीक है ठीक, तो इस हिसाब से तुम बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। हाँ चलो, तुम्हारा एंड्योरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो अभी अपन जो डिप्स मारेंगे वो पावर लिफ्टिंग तो नहीं होगी ना, वो तो बॉडी वेट ट्रेनिंग होगी। उसमें स्ट्रेंथ मैटर करेगी, वो बॉडी वेट ट्रेनिंग होगी, पूरी 100% बॉडी वेट ट्रेनिंग होगी। हाँ पर स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी। कैसे मैटर करेगी? स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी। स्ट्रेंथ तो हर चीज में मैटर करेगी। हाँ ना, तो लेकिन मेन तो चीज क्या मैटर? अगर तुम ज्यादा उठा रहे हो, तुम्हारा मसल मास ज्यादा है, तो तुम ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, मतलब स्ट्रेंथ तुम्हारी ज्यादा होगी। मेन चीज क्या मैटर करेगी? अरे चलो, तुम्हारे एंड्योरेंस ज्यादा है। मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तुम बोल रहे हो जो पावर लिफ्टिंग करता है जरूरी नहीं वो इससे ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि जो बॉडी वेट ट्रेनिंग करता है उसको इजी जाएगा सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस एज कम्पेयर टू वो बंदा जो हेवी लिफ्ट करता है, हेवी लिफ्ट करता है या फिर पावर लिफ्ट करता है। ठीक है, तो चलो समझ गया ना, यही है ना। ठीक है चलो, फिर लेट्स फिगर आउट। अभी लाइन लाइफ लगाएंगे और हम काउंट करेंगे मैक्सिमम कौन पहले फेलियर करेगा। ठीक है, जो पहले फेलियर करेगा तो इस बात का पता चल जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है लेट्स गो, इधर थोड़ी करेंगे। बोलो ना जिधर करना है, अभी तुम आओ ना, उतरो भी मैदान आ जाओ। चलो वहां पे करते हॉल में, लेट्स गो। चलो चलो अब सही है। ठीक है,
तो कैसे मार रहे हैं? मैं ऐसे तो ऐसे थोड़ा पीछे करो, क्या थोड़ा पीछे कर ले तुम? ऐसे मैं ऐसे मैं इधर हो जाता हूँ, तुम हो जाओ थोड़ा सा ऐसे ना, निकल जा लो। वो नहीं ना जाता, वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा वो। सही है, गए मारो एक, मैं देखता आ रही है तुम्हारी। जी आ जाओ नीचे, ठीक है। टक्कर टक्कर नहीं होगी ना। कैसे काउंट करना है, कैसे ये करना है? 1 2 3 तो नॉर्मल सेकंड वाली स्पीड, एक सेकंड में दो पुशअप, एक सेकंड में दो पुशअप और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और क्या टाइमिंग तो कुछ ही, जो ज्यादा हारे वो, हाँ जो फेलियर रेट है उसका मैंने फेलियर रेट क्या, वो हार गया। 5 6 7 इजी बॉय, ये बड़ी, लेट्स गो। 3 2 1 स्टार्ट गो। 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40. One, two, three, four. चलो 50 हो गया ना, चलो इजी बॉय, चलो 1 2 3 4 5 चलो 6 7 8 9 10 क्या हो रहा था ये? हार गया बाबा, ऐसा नहीं चलेगा ना। 55 56 में हार गया। तो सिर्फ एंड्योरेंस मैटर नहीं करता, हेवी लिफ्टिंग भी मैटर करता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। दादा विंस अब से हेवी लिफ्टिंग भी चालू। मुद्दे की बात ऐसी है दादा कि तुम चैलेंज जीत गए और मैं बहस जीत गया, क्योंकि तुम क्या बोल रहे थे कि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेगा वो जीतेगा, ठीक है? तो चैलेंज तुम जीते, मैं बोला जीतना चाहिए जिस हिसाब से तुम बातें करते हो दादा। जीता मैं तो बोल ही रहा हूँ मैं नहीं जीतूंगा, तुम जीतने चाहिए। मैं तो बोल ही रहा था मैं नहीं जीतूंगा, तुम जीतोगे क्योंकि तुम वेट लिफ्ट करते दादा। तुम क्या बोले एंड्योरेंस तुम्हारा ज्यादा, तो तुम्हारा होना चाहिए। तुम बॉडी ट्रेनिंग करते हो, मतलब तुमको तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से उठा दे आनी चाहिए, हाँ हर चीज में, वैसा तुम बोल रहे थे। ऐसा नहीं हुआ ना, वही तो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, जितना ज्यादा वेट तुम लिफ्ट करते तुम्हारा मसल मास भी उतना बढ़ेगा ना। तो फिर तुम सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग क्यों करते, उससे तुमको फायदा क्या मिल रहा है? फायदा वो मेरा गोल वही है, एस्थेटिक फिजिक बनाना है, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्डिंग ओके लेवल पे मेरे को चलेगी, पर मेरे को फिजिक एस्थेटिक बनाना है। मेरे को ज्यादा मसल मास मैटर नहीं करता, कैमरे के सामने बोल नहीं सकता, मेरे को वो टॉपिक आते नहीं है, वो बात रहती है। पर ठीक है, तुम चैलेंज जीत गए, बेस्ट तो मैं जीता हूं, तो मान दादा तुम कैमरा चालू, तुम क्या जीते हो बोलो, ठीक है तुम क्या जीते? दोनों पॉइंट में जीता, दोनों कैसे तुम जीते दादा? दादा जीता ना, नहीं जीते जीता दादा। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।